हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके ऑनलाइन टेस्ट। आज का वीडियो में फ्रेंड, रेलवे एएलपी का 23 ऑफिशियल पेपर है, जो कि एक टेस्ट के रूप पे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो आप इस पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और 23 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पा रहे हैं इसको कमेंट कर भी जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों Na2CO3। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो दोस्तों 17 वाला में जितना भी परमाणु क्रमांक आता है वो हेलोजन होता है दोस्तों, तो इसका एक हेलोजन गैस आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से विषम को अलग करें। चार ऑप्शन में से दोस्तों तीन किसी न किसी तरह समान है, एक भिन्न है, तो इसका सही आंसर होगा कांच। कांच दोस्तों जो भी एक तत्व तो है, बाकी सब धातु है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दोस्तों ये जितना भी है हेलोजन होता है, इसी की वजह से इसे हेलोजन कहते हैं। भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट की राष्ट्रीयता क्या है? तो दोस्तों ये रहती है इंडिया में, मगर इसका जो राष्ट्रीयता है वो ब्रिटिश का है। अगला क्वेश्चन ये रहा, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन। जब लोहा को मजबूती बनाना रहता है तो उसमें कार्बन भी मिलाया जाता है, जो कि कार्बन मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुमस्तिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? तो मनुष्य में दोस्तों श्वसन जानिए रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दास राजवंश। अगला क्वेश्चन फ्रेंड ये रहा, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो ये तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसे बता सकते हैं। जब स्थितिज ऊर्जा में बंदूक रहता है, जब उसे डायरेक्ट गोली छोड़ा जाता है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कौन सा दोस्तों जो किला है 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोलकुंडा का किला। अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड, उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों व्हाइट सी नहर। अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान मैंने किस रंग देखी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों असंतृप्त यौगिक को जब दहन करेंगे यानी जलाएंगे तो पीली लौ देखी जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड, मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा झुर्रीदार बीज। अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों द्रव। 12 डिग्री जब सेल्सियस रहता है तो उसमें भौतिक अवस्था द्रव के रूप में रहता है। इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा जो दी मैग्ना कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है,
इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1215 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन ए रहा फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्पाइरो गैरा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वेग। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड का प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला समूह में। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो चलिए फ्रेंड, यहीं पे 23 क्वेश्चन खत्म होता है। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।